हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं काफ़ी महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ लीज़ा की और अपने डॉग की, स्पेशली जेनी की। लीज़ा की वीडियो मैंने अभी तक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो उसका लास्ट बेबी था ना, वो उसकी भी डेथ हो गई थी, तो मैंने उस चक्कर में वीडियो नहीं बनाई। और इसका एक भी बेबी नहीं बचा, दो बेबी तो हुए थे, लास्ट वाला भी नहीं बचा। तो मैं उस चक्कर में फिर आई वॉज बिट सैड, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी। रुक जा लीज़ा, एक मिनट रुक। तो अभी फाइनली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। लोग मुझसे कमेंट में बोल रहे थे कि लास्ट पपी का क्या हुआ, अपडेट। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट पपी भी नहीं रहा, अफसोस लीज़ा का। शायद मुझे, मतलब जो मैंने अपने ब्रीडर से बात करी तो उन्होंने बोला कि जो मेल होगा उसमें ही शायद कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज़ होंगे, कि उसको अच्छे से क्रॉस चेक नहीं करा होगा आपने, कि उसकी वैक्सीनेशन हुई थी नहीं प्रॉपर तरीके से। क्योंकि लीज़ा का तो हमारा हमेशा, आपको मतलब वीडियो में भी दिखता ही है कि मैं हमेशा इसको डॉक्टर आते हैं और कभी रेबीज़ के, कभी 9-in-1, और इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी हमने इसको टिटनेस के लगाए थे। लीज़ा सिट, बैठो। तो हमारा तो डॉग्स का प्रॉपर रहता है वैक्सीनेशन वगैरह जो भी इश्यूज हैं, पर उस डॉग्स का हमने कन्फर्म नहीं करा था, तो वो बोल रहे थे कि शायद उसी वजह से हुआ हो, अब भगवान जाने क्या इशू है। पर फाइनली अभी लीज़ा की भी उन दिनों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अभी लीज़ा बेटर है और उन दिनों बहुत कमज़ोर हो गई थी, अभी थोड़ा हेल्थ में आ गई है। अब इसको ओवर फीडिंग भी नहीं करानी क्योंकि फिर ये ज़्यादा ओवर हेल्दी हो जाती है, फिर ये दौड़ भाग कर नहीं पाती अच्छे से। क्या हो गया लीज़ा पूरे 3 साल से ऊपर की हो गई। अब मैं इसे कब लाया था, 2020 में लेकर आया था मैं इसे, शायद 2020 नवंबर में, ये अक्टूबर की है वैसे, 2 अक्टूबर को पैदा हुई थी, तब से अभी तीन साल से ऊपर हो गए इसको। रुक जा, बैठ जा नीचे, सिट बैठो। हाँ, पूरा मिट्टी में गंदा हो जाती है। हेल्थ इसकी पहले से बेटर है, बीच में बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी, खाना पीना बंद हो गया था इसका, इवन दूध, मतलब जो इनको दूध देता था मैं फीमेल के बच्चों के साथ, वो भी नहीं पी रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी। वरना लीज़ा तो मतलब खाने को भी मना ही नहीं करती है। तो अभी काफ़ी बेटर है लीज़ा, काफ़ी एक्टिव है, बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ बेटर है, तो ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल भी, और इसकी पूंछ देखो, इसके सारे बाल इसके झड़ गए हैं। लीज़ा चलो बैठो, कम सिट गुड। तो इसके टेल के सारे बाल, जितने सारे बाल झड़ गए इसके, होता है प्रेगनेंसी के बाद फीमेल के बाल गिरते हैं, तो अभी नए बाल आ जाएंगे धीरे धीरे, बहुत से बाल आ गए हैं, क्योंकि इधर के सारे बाल शेड हो गए थे इसके, ये टम बेली की साइड के उधर के। बैठ जा एक जगह पे, बैठ जा, स्टे। तो बस यही अपडेट है लीज़ा के बारे में, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं सीन। और जेनी कम, अच्छा ये है हमारी जेनी की। अब तो बहुत ज़्यादा एज हो गई, पता है इसको, पता नहीं कितने साल की हो गई है। ये लीज़ा से आए हुए 1 साल पहले आई थी हमारे घर पे, तो लीज़ा को जब 3 साल हो गए तो इसको 4 साल हो गए हैं, और 4 साल से पहले की भी, मतलब इसको मेरे ख्याल से 1-2 साल की तो होगी, 2-2.5 साल की जब ये हमको मिली थी, तो ये टोटल मेरे ख्याल से अभी 6-7 साल की हो गई है, 5-6-7 और 6-7 साल की हो गई है लगा लो। अब इसकी एज हो गई ना, अब तो धीरे धीरे रेस्टलेस फील करती है अभी काफ़ी, इतनी प्यारी प्यारी फीमेल डॉग है ना हमारी ये। तो बस इस वीडियो में इतना ही था इस फीमेल के बारे में, लीज़ा के बारे में जो अपडेट देनी थी। इधर आ लीज़ा, इधर आ, कम आ जा, आ गया, सिट बैठो, सिट डाउन। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, इनके छोटी सी अपडेट थी रिगार्डिंग लीज़ा के बेबी जेनी के। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और होप सो जल्दी अगर कोई कैनल मिलता है मुझे तो मैं कैनल की वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें लोग, मतलब लोग कैनल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स देखना पसंद करते हैं, तो होगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।